देखिए ये क्वेश्चन भी आपने करा हुआ क्लास में, द नंबर ऑफ टर्म कॉमन टू टू एपीज। पहले देखिए इन दो एपी के नंबर ऑफ कॉमन टर्म, ये क्वेश्चन पहले राउंड का स्क्रीनिंग राउंड का है। 3, 7, 11 डिफरेंस कितना, 4, 15, 19, 23 एंड 407। ऐसे ही देखो 2, 9, 16, 23, 30 ऐसे चलेगा। जब भी दो या दो से ज्यादा सीरीज दी हो तो पहला कॉमन टर्म आगे बढ़ा के निकालते हैं, ये निकाला तो 23। अगला कॉमन टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, इसका कॉमन डिफरेंस 4, इसका कॉमन डिफरेंस 7, इन दोनों का लो एलसीएम, तो एलसीएम हुआ 28, तो नया हो गया D28, यानी इसका अगला कॉमन टर्म 51 होगा एंड सो ऑन। अब एक सिंपल लॉजिक है कहां तक जाना है, तो आपको छोटी सीरीज पे जाके कॉमन टर्म खत्म हो जाएंगे, तो बस खत्म। आप ये फॉर्मूला लगाइए, लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आपको पता है ए कितना है 23, एन निकालना है माइनस डी कितना 28, लेस देन इक्वल टू 407। इक्वल टू होगा अगर ये टर्म कॉमन हुआ, नहीं तो कम होंगे इससे, बस अभी आप इक्वल टू मान के कर लो तो भी चलेगा। 23 प्लस 28 एन माइनस 28 इक्वल टू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिला माइनस 5, तो 28 इक्वल टू 412, तो n इक्वल टू 412 अपॉन 28, वन टाइम कैंसिल 14 पॉइंट समथिंग। पॉइंट समथिंग का मतलब है ये टर्म कॉमन नहीं है, इसका इंटीग्रल पार्ट इज फाइनल आंसर, तो 14 इज अ राइट आंसर। नोट करिए,